हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का यह लेक्चर नंबर 14 है और इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किए थे, जैसे कि वेरिगोंस थ्योरम क्या होता है उसके बारे में हम लोग पूरी अच्छी से डिस्कशन कर चुके थे और वेरिगोंस थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ मैकेनिक्स क्या होता है और लॉ ऑफ मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, जिसका दोस्तों मेनली पांच टॉपिक है। और सबसे पहला टॉपिक दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इसके बारे में दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या होता है और ये क्या है, ये सब के बारे में दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है इस वाले लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों, समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लॉ ऑफ मैकेनिक्स में हमको जनरली पांच ठो टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक है दोस्तों न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जो कि आज दोस्तों हम इसे पढ़ के कम्प्लीट कर लेंगे। दूसरा टॉपिक पढ़ना है दोस्तों न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, इसको हम दोस्तों अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर पढ़ना है दोस्तों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फोर्स, इसको भी दोस्तों हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर दोस्तों पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, इसको भी दोस्तों अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर पढ़ना है दोस्तों लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो उसको भी दोस्तों अगले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग अभी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं कि क्या है और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कितना होते हैं। तो चलिए दोस्तों, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या होता है ये सब बारे में हम लोग जानते हैं। तो सर आइजक न्यूटन, देखिए दोस्तों, न्यूटन जो थे उनका पूरा नाम था सर आइजक न्यूटन, जो कि थ्री लॉ दिए थे, मतलब तीन ठो लॉ दिए थे मोशन के लिए, मोशन से रिलेटेड वो तीन ठो लॉ दिए थे। कौन? तो सर आइजक न्यूटन। कौन कौन था दोस्तों नियम या लॉ? तो पहला लॉ था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये दोस्तों ये न्यूटन साहब जो थे ये तीन को आपको लॉ दिए थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो दोस्तों बारी बारी से अब हम लोग सीखेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है और थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग सीखते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन ऑफ मोशन डैट इफ अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड इन मोशन विल रिमेन कंटिन्यूस इन मोशन। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर कोई बॉडी है तो वो अगर वो विराम की अवस्था में है तो वो फिर विराम की ही अवस्था में रहना चाहता है, और अगर वो गति की अवस्था में है तो फिर वो गति की ही अवस्था में रहना चाहता है, तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे डिस्टर्ब नहीं करे। मान लीजिए दोस्तों कोई एक गेंद है, तो कोई एक गेंद है मतलब सिंपली वो गेंद दोस्तों ये रखा हुआ है, तो दोस्तों यह गेंद रखा हुआ है तो यह गेंद में भी कौन सा कंडीशन है, तो ये भी रेस्ट में है। इसमें दोस्तों कोई फोर्स हम नहीं लगाए तो ये रेस्ट में है भी, अगर हम इसमें कोई फोर्स लगा दें तो ये फिर से मोशन में आ जाएगा। तो ये जो वस्तु है वो तब तक अपने कंडीशन में रहना चाहता है जब तक कि हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें। तो फर्स्ट लॉ ऑफ जो मोशन होता है दोस्तों, जो न्यूटन दिए थे, वही कहता है कि अगर कोई वस्तु है वो मोशन की अवस्था में तो मोशन की अवस्था में ही रहना चाहता है, अगर वह रेस्ट की अवस्था में है तो वह रेस्ट की ही अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो दिस लॉ गिव द डिफिनेशन ऑफ फोर्स, जो ये लॉ है दोस्तों वो आपको फोर्स का भी डिफिनेशन अब दोस्तों यही लॉ देता है। एंड दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्सिया, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही दोस्तों हम लोग लॉ ऑफ इनर्सिया के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार और मैं रिकैप कर देता हूँ, अगर कोई पूछे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है तो आपको सिंपली यह बोलना है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट के कंडीशन में है तो वह रेस्ट में ही कंडीशन में रहना चाहता है, या अगर वह वस्तु मोशन के कंडीशन में है तो फिर वह मोशन के ही कंडीशन में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो चलिए दोस्तों हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ते हैं क्या होता है। तो दोस्तों सेकंड लॉ ऑफ मोशन यह कहता है डैट द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इट डायरेक्शन इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए दोस्तों, कहने का इसका हिंदी में हम सिंपली यह कह सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन के दर को लगाए गए बल के समानुपाती होता है। संवेग, संवेग करने का मतलब दोस्तों मोमेंटम, मोमेंटम को हिंदी में हम लोग संवेग कहते हैं, मतलब संवेग में परिवर्तन के दर, मतलब कि मोमेंटम है रेट ऑफ चेंज, मतलब संवेग में परिवर्तन के दर पर उस पर लगाए गए बल, मतलब कि अप्लाइड फोर्स उस पर लगाए गए बल के क्या होता है, समानुपाती होता है, कहने का मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो डायरेक्शन होता है दोस्तों वो फोर्स के ही डायरेक्शन में होता है।
तो इसको अब हम लोग डेरिवेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एफ है, एफ क्या दोस्तों, फोर्स है। फोर्स हम क्या बोले दोस्तों कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो संवेग के परिवर्तन, मतलब कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब कि, तो यहाँ से हम dp बाई dt लिख सकते हैं। यहाँ जो ये p है, ये क्या सूचित कर रहा है दोस्तों, तो ये मोमेंटम को सूचित कर रहा है। इसे हम मोमेंटम हम कह सकते हैं, क्योंकि यह p, मोमेंटम को हम p से सूचित करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम p मोमेंटम बराबर, दोस्तों हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि p बराबर होता है दोस्तों mv। तो दोस्तों अगर हम f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d और p की जगह पर mv लिख दें, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों हम जो m है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो जो f होता है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू dv बाई dt। और दोस्तों हम बताए थे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन हम किसे कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन बाबा क्या होता है दोस्तों, को v बाई t। तो यहाँ सब दोस्तों हम बोल सकते हैं जो v और t है दोस्तों, कि ये आपको एक्सेलरेशन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम इसे a लिख सकते हैं, और m के m हो गया, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए। और हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए दोस्तों हम एक कॉन्स्टेंट के को लाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर प्रोपोर्शनल साइन हट गया, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और इसके जहाँ पे कॉन्स्टेंट के आ जाएगा। और के का वैल्यू दोस्तों कितना है, 1 है। और हियर के इज अ कॉन्स्टेंट, के को क्या है दोस्तों, के एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जिसका वैल्यू है दोस्तों 1। तो एफ बराबर हो जाएगा 1 इंटू एम है। तो यहाँ से दोस्तों एफ बराबर क्या आ जाएगा, सिंपली एफ बराबर एम ए। ये दोस्तों आपको फॉर्मूला है, इसे आप याद रखिएगा। फोर्स बराबर होता है मास गुने एक्सेलरेशन। तो आई होप दोस्तों आपको सेकंड लॉ अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और रिकैप कर देता हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ यह कहता है कि संवेग में परिवर्तन के दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। यह दोस्तों आपको न्यूटन सेकंड लॉ कहता है, और इसे फिर डेरिवेशन कहते हैं। तो एफ बराबर एम ए, यहाँ से आपको ये फाइंड होता है न्यूटन सेकंड लॉ से। तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यह कहता है कि द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब यह दोस्तों कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होना तय है। तो और जो विपरीत प्रतिक्रिया होता है दोस्तों, वह इक्वल रहता है, मतलब कि जो क्रिया होता है उसके समान और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसा कि कुछ एग्जाम्पल दोस्तों, उससे आप समझ सकते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या है। जैसे दोस्तों देख सकते हैं, ये रॉकेट है। रॉकेट दोस्तों जो फ्लेम होता है वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, फोर्स ऑन हॉट गैस इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है दोस्तों, एक्शन हो रहा है। और इसका जो रिएक्शन होता है दोस्तों, वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में हो रहा है। कहने का मतलब किया ऊपर की ओर जा रहा है। तो फ्लेम जो होता है दोस्तों, वो इस एक्शन में, या इस डायरेक्शन में, सॉरी दोस्तों, इस डायरेक्शन में अपना एक्शन कर रहा है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा दोस्तों, तो रिएक्शन होगा। वैसा ही दोस्तों बलून वाला भी हो सीन है। इस वाले डायरेक्शन में क्या हो रहा है दोस्तों, तो एक्शन हो रहा है। इस वाले डायरेक्शन में एक्शन हो रहा है, तो इस वाले डायरेक्शन में क्या होगा, रिएक्शन होगा। तोप में भी सेम केस है दोस्तों, इस वाले डायरेक्शन में क्या हो रहा है दोस्तों, एक्शन हो रहा है। तो इस वाले डायरेक्शन में क्या होगा दोस्तों, तो रिएक्शन होगा। नाव वाले में भी से दोस्तों सेम केस है। तो हम जो पैर से इस वाले डायरेक्शन में एक्शन करते हैं, तो हमको नाव जो होता है वो इस वाले डायरेक्शन में रिएक्शन करता है, मतलब कि आगे की ओर ढकेलता है। बंदूक में भी सेम केस है दोस्तों, कि इस वाले डायरेक्शन में एक्शन हो रहा है, तो इस वाले डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। चलने वाले में भी सेम केस है दोस्तों, कि हम लोग इस वाले डायरेक्शन में एक्शन ले रहे हैं, तो इस वाले डायरेक्शन में मेरा रिएक्शन होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये सब एग्जाम्पल से अच्छे से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल के वीडियो में दोस्तों यहीं तक, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आता है दोस्तों, तो शेयर करना ना भूलें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो सीरीज़ को शेयर करें। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए देखते रहे इस वीडियो सीरीज़ को। धन्यवाद।